वेलकम टू ब्लू मून टैरो। आज का टॉपिक है कौन कौन से गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ रहे हैं एंड कब तक आ जाएगा। मैं ये भी बता दूंगी कौन कौन से ब्लेसिंग्स गाइडेंस आपकी तरफ आ रही हैं, कौन कौन सी खुशी आपके दरवाजे पर जस्ट दस्तक दे रही है, आपको बस खोलने की देरी है दरवाज़ा। ओके, सो लेट्स सी। यहाँ पर दो पाइल है, इनमें से किसी एक पाइल को आपको चूज़ कर लेना है। पाइल वन में है आपका नेम का इनिशियल, अगर ए से लेकर एम के बीच में है तो आपके लिए है पाइल नंबर वन, अगर एन से लेकर जेड के बीच में है तो आपके लिए पाइल नंबर टू। एंड आप डिस्क्रिप्शन में जाकर भी पाइल को चूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मेरे चैनल का दो और लिंक मिल जाएगा, एक तो लव विद यूनिवर्स का जहाँ पर आपको बहुत सारे टैरो रीडिंग्स मिल जाएंगे आपके जोडियक साइन के अकॉर्डिंग, एंड अनदर है एस्ट्रो लव विद यूनिवर्स जहाँ पर आपको वास्तु से रिलेटेड, कुंडली से रिलेटेड, तंत्र विद्या से रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएंगे जो बहुत ज़्यादा आपके लिए लाभदायक हैं, उपकारी हैं। सो आप जाकर विजिट कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। हेलो पाइल नंबर वन, अगर आपका नेम का इनिशियल ए से लेकर एम के बीच में है, सो लेट्स सी बहुत जल्द आपको कौन कौन से खुशियाँ प्राप्त होने वाले हैं, कौन कौन से विश आपके पूरे होने वाले हैं। ओके, सो प्लीज़ पॉजिटिव रहें। देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर है द लवर्स। ओ माय गॉड, आपके सोलमेट आ रहे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी, एक मेजर अरकाना है। एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, चीज़ें आपके लाइफ में बहुत टाइम से डिले हो रहा था, एक अबंडेंस की वाओ, थ्री ऑफ कप्स वाइब्स भी मुझे मिल रहा है। एंड और दो देखना है, फोर ऑफ वांड्स एंड नेक्स्ट यहाँ पर है फाइव ऑफ वांड्स। बॉटम द डेक में द हायरोफेंट, जो कि एक मैरिज प्रपोजल की बात करता है आपके लाइफ में। बहुत जल्द ना कोई एक इंसान मैरिज प्रपोजल लेकर एंटर करने वाला है, शादी का प्रपोजल देने वाला है। एंड देखो यहाँ पर दिख रहा है मुझे, आप किस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से जुड़ने वाले हो, बहुत ही ज़्यादा आप किस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड फील करते हुए दिख रहे हो, सोल अट्रैक्शन महसूस करते हुए दिख रहे हो। आपका सोलमेट, आपका ट्वाइन फ्लेम आपके लाइफ में एंटर करने वाला है बहुत बहुत जल्द। फाइन, तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपको ड्रीम आता है बहुत ज़्यादा आपके सोलमेट का, या फिर आपकी इमेजिनेशन में ये इंसान हमेशा एग्जिस्ट करते हैं कि आपका पर्सन ऐसा होगा वैसा होगा, या फिर आपका कोई क्रश है जिस इंसान को, हो सकता है आपको थोड़ा सा इम्पॉसिबल लगता है कि ये इंसान आपके लाइफ में नहीं आ सकता है, तो दिख रही है मुझे कि वो पर्सन आपके लाइफ में आने वाले हैं बहुत जल्द, आपके प्यार आपके लाइफ में आने वाले हैं एंड बहुत परमानेंट तरीके से आने वाले हैं ये इंसान। इतना ज़्यादा परमानेंट तरीके से आएंगे कि शादी का प्रपोज़ल लेकर ही आएंगे, परमानेंट कनेक्शन का प्रपोज़ल लेकर आएंगे। ये इंसान आपको बहुत एडमायर करेंगे, बहुत खास मानेंगे। अगर आप फीमेल हो तो बहुत ब्यूटीफुल, एंड अगर आप मेल हो तो बहुत ज़्यादा हैंडसम आपको समझने वाले हैं, किंग या फिर एक क्वीन के वाइब्स में आपको रखेंगे हमेशा, आपकी हर ख्वाहिश ये इंसान पूरी करेंगे। ये इंसान बहुत ज़्यादा मासूम सा होने वाले हैं, प्यार करने वाला एक इंसान होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा एडमायरेबल पर्सन दिख रही है मुझे, एंड बहुत ज़्यादा लॉयल भी रहेंगे आपके लिए। फाइन, आपके लिए किसी से भी भिड़ जाएंगे दिख रही है मुझे, आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे, ऐसा एक पर्सन आपके लाइफ में आ रही है। बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी है। यहाँ पर तीनों कार्ड कहीं ना कहीं आपके लव लाइफ से जुड़ा हुआ है। बॉटम द डेक यहाँ पर फोर ऑफ वांड्स एंड द लवर्स का कार्ड। फाइन, सो ये इंसान आपके लाइफ को एकदम से चेंज करने वाले हैं। आपके लाइफ में जब से ये एंटर करेंगे ना, तो आपका लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत जल्द आपके भाग्य का पहिया घूमने वाला है। थ्री ऑफ कप्स के दौरान दिख रही हैं आपके घर में कोई पूजा पाठ या फिर मंगल कार्य बहुत जल्द होने वाला है, लोग आने वाले हैं। हो सकता है कि आप लोगों को इन्विटेशन भेजो या फिर आपको कोई इन्विटेशन मिले जहाँ पर आप जाओ इन्जॉय करो। तो बहुत सारे लोगों के साथ आपका कम्युनिकेशन बढ़ता हुआ दिख रहा है, मस्ती करते हुए दिख रहे हो, एंजॉय करते हुए दिख रहे हो, एंड साथ ही ना कहीं वाइब्स शेयर करते हुए दिख रहे हो। आपके बहुत सारे दोस्त भी बनने वाले हैं एंड लोगों का सपोर्ट, लोगों का ब्लेसिंग्स आपके पास आती हुई दिख रही हैं। लोग आपको एडमायर करने वाले हैं, एक से ज़्यादा लोग आपको पसंद करने वाले हैं। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रही हैं आपके काम का जो फल है, बहुत टाइम से आपको मिल नहीं रहा था, अबंडेंस के लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, काम करते ही जा रहे थे, फल का आशा डिवाइन के ऊपर वैसे ही छोड़ कर रखे थे आपने, तो बहुत टाइम से डिले हो रहा था चीज़ें। कुछ ना कुछ हो सकता है, कोई चिट्ठी वगैरह हो सकता है आपको मिलना था, आपको नहीं मिल रहा था, एफर्ट का फल नहीं मिल रहा था, तो वो जो डिले एनर्जी है वो यहाँ पर समाप्त होती हुई दिख रही है। पास आपकी चीज़ें आती हुई दिख रही हैं, आप जो चीज़ डिजर्व करते हो वो चीज़ आती हुई दिख रही है, बहुत परमानेंसी के साथ, बहुत ग्राउंड लेवल पर आती हुई दिख रही हैं। जो चीज़ आएगा वो आपसे कभी नहीं कोई छीन सकता है, कभी आपसे दूर नहीं होने वाला है। ओके, तो
तो अबंडेंस, तो यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जी है, फाइनेंशियली एक ब्लेसिंग्स आपके तरफ आती हुई दिखाई दे रही है मुझे। फाइनेंशियली आप स्टेबल होने वाले हो, ग्राउंडेड होने वाले हो, बहुत सारा पैसा आपके हाथ लगने वाला है एंड नया जॉब मिलने की चांसेस भी दिख रही हैं इसके साथ ही, क्योंकि पैसा तो ऐवे ही नहीं आने वाला है, हर कोई लॉटरी नहीं खरीदता है, तो बिजनेस में ग्रोथ दिख रहा है मुझे एंड जिसके दौरान ही बहुत सारा पैसा आपके लाइफ में एंटर करेगा। एंड देख लेते हैं डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग्स आपके लिए। अ फेरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, कुछ ऐसा होने वाला है जो आपकी इमेजिनेशन में भी नहीं था, मतलब कि आप जो चीज़ इम्पॉसिबल मानते हो, बहुत ज़्यादा आपको अनएक्सपेक्टेड लगता है, तो वो चीज़ होने वाला है। एक ऐसा प्यार हो सकता है आपको मिले, या फिर एक ऐसा विश आपका ऐसे पूरा हो जाए जो आपको एकदम से ना राजकुमार या फिर राजकुमारी की जो परियों का कहानी जैसे है ना, फेरी टेल जैसा लगे आपको। नेक्स्ट यहाँ पर दिख रही है मुझे अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपका विश पूरा होने वाला है। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, तो आपके अंदर बैलेंस क्रिएट होता हुआ दिख रहा है क्योंकि आपके सोलमेट आते हुए दिख रही हैं, तो यहाँ पर इन एंड यांग का साइन है। डेफिनेटली आपका विश पूरा होने वाला है, आपका ड्रीम जो है वो रियलिटी में बदलने वाला है, ओके, बहुत जल्द। अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ तो यहाँ पर देख लेती हूँ टाइमिंग, सो यहाँ पर सेवन ऑफ कप्स हैं, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अभी से लेकर 7 दिन के अंदर या फिर 17 दिन के बाद, ओके, तो दिख रही है मुझे कि 7 महीने के बाद आपका शादी का डेट जस्ट फिक्स होने वाला है, आपका शादी होने वाला है एंड 7 दिन के अंदर आपके पर्सन आपके लाइफ में परमानेंटली एंटर करने वाला है, आपके साथ कम्युनिकेशन स्ट्रांग होने वाला है एंड चीज़ें आपके लाइफ में बेहतर होना स्टार्ट हो जाएगा 7 दिन के बाद से। सो थैंक यू पाइल नंबर 1, थैंक्स फॉर वॉचिंग, रीडिंग को एंड तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपका नेम इनिशियल्स एन से लेके जेड के अंदर हैं तो आपके लिए है पाइल नंबर 2, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें पाइल नंबर 2 के लाइफ में कौन कौन सी खुशियाँ बहुत ज़्यादा जल्द आने वाला है, एंटर करने वाला है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स पावर आती हुई दिख रही हैं, अकेलापन खत्म होता हुआ दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग बनते हुए दिख रहे हो आप। द चैरियट, आप अभी बहुत सारे गलत रस्तों में हो, बहुत सारे गलत डिसीजन ऑलरेडी लेकर बैठे हो, आप जो काम कर रहे हो वो कहीं ना कहीं आपको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, आपके काम के मार्ग पर बहुत सारे बर्डन्स क्रिएट हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो वो सब खत्म होने वाला है दिखाई दे रही है। आप एक स्टक सिचुएशन से बाहर जाने वाले हो, आपके अंदर हिम्मत आती हुई दिख रही है, पावर आती हुई दिख रही है, ओके। एंड द चैरियट का कार्ड ये भी बताता है कि आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलने वाला है बहुत ब्यूटीफुल तरीके से एंड साथ में ये भी दिख रहा है मुझे कि आपको एक दिशा मिलने वाला है। अभी तक अगर आपको पता नहीं चल रहा था कि आपको किस तरफ जाने से आपको सक्सेस मिलेगा, आपका गोल अचीव होगा, लाइफ का जो टारगेट है वो पूरा होगा, आपको थोड़ा सा पीस मिलेगा, इनर पीस मिलेगा, सेटिस्फिकेशन मिलेगा, सो यस आपको ये पैथ दिखने वाला है। तो कुछ पावर पोटेंशियल आपके लिए वेट कर रही हैं, कुछ अथॉरिटी, कुछ ज़मीन जायदाद का मामला अगर था तो उसमें आपको जीत मिलता हुआ दिख रहा है, कुछ प्रॉपर्टी आप खरीदने वाले हो, बहुत स्टेबल एक एनर्जी वाइब्स मिल रही है मुझे, कोई घर खरीद सकते हो, कोई घर बना सकते हो, या फिर दिख रहा है कि जो आपका है एक्चुअली हो सकता है किसी ने छीन लिया था, तो वो आपकी चीज़ें आप लेने वाले हो, आप अपने एफर्ट से, आप अपने मेहनत से जो चीज़ खड़ा किया था, जो चीज़ बनाया था या फिर जो चीज़ें खरीदा था, हो सकता है किसी ने आपसे छीन लिया है, किसी ने आपसे चुरा लिया है, आपसे ले गया है, तो वो चीज़ आप इस टाइम पर वापस ले आने वाले हो, आपके लाइफ में वो चीज़ वापस आने वाला है। अगर कोई पास्ट के पर्सन भी आपको छोड़ कर गए थे तो इस टाइम पर चांसेस हैं वो आपके लाइफ में वापस आएंगे एंड यहाँ पर सिक्स ऑफ सोर्ड्स के दौरान दिख रही है मुझे कि आप एक स्टक सिचुएशन से बाहर जाने वाले हो, बहुत सारे लोग इस टाइम पर आपको हेल्प करेंगे, खास तौर पे कोई एक स्पेशल वन तो डेफिनेटली दिख रही हैं जो आपको हेल्प करने वाले हैं। आपके घर के कोई इंसान भी हो सकते हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके लवर भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, नो मैटर, बट वो इंसान आपको इतना हेल्प करेंगे कि आपको स्टक सिचुएशन से बाहर लाकर छोड़ेंगे, ओके। हो सकता है बहुत टाइम से आप एक नेगेटिव एनर्जी में जी रहे थे, आपका काम नहीं बन रहा था, इसी वजह से आप लोगों से बात भी नहीं कर रहे थे, आपको जजमेंट चाहिए था, तो यहाँ पर आपके लाइफ में जजमेंट आती हुई दिख रही हैं। एक न्यू बिगिनिंग के लिए आप हो सकता है बहुत टाइम से प्रे कर रहे थे तो वो आपको मिलती हुई दिख रही हैं।
देखो डिवाइन का ब्लेसिंग्स यहाँ पर स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है, द चैरियट एंड द जजमेंट कार्ड से। एंड पावर पोटेंशियल की बात तो यहाँ पर दोनों कार्ड से ही दिख रहा है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एम्परर कार्ड से। तो दिख रही है ओवरऑल अपकमिंग टाइम में आप बहुत ज़्यादा खुश मिजाज से, बहुत ज़्यादा खुशी के साथ आगे बढ़ने वाले हो। आपकी लाइफ में बढ़ोतरी दिख रही है, हीलिंग आता हुआ दिख रहा है, कुछ नेगेटिव एनर्जी आपके सराउंडिंग से छू होने वाला है एंड पॉजिटिव एनर्जीज को आप धीरे धीरे से अट्रैक्ट करने वाले हो। आप हो सकता है कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा वीक पड़ रहे थे, किसी को कुछ बताने से, किसी को कुछ देने से या फिर कुछ काम करने से बहुत ज़्यादा ना आपको वीक लग रहा था, आप नहीं कर सकते हो, आपको डर लग रहा था, तो वो डर आपसे एकदम से जाती हुई दिख रही है। आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो लाइफ में, आप और ज़्यादा पीछे नहीं रहने वाले हो। आप एक ऑनेस्ट पर्सन हो, एक क्या बताओ रेस्पेक्टफुल पर्सन हो, तो इसी वजह से रियलिटी को शो करते हुए आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। एंड कहीं ना कहीं अभी आप जीने वाले हो। यहाँ पर देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। एंड बॉटम द डेक तो मैंने देखा ही नहीं, यहाँ पर आप देख सकते हो टेन ऑफ वांड्स से। ओके, सो कुछ बर्डन्स, कुछ हेडेक दिख रही हैं आपके कंधों पर, बहुत टाइम से था तो वो रिलीज़ होने वाला है, आपको थोड़ा सा रिलैक्स करने का मौका मिलेगा। हो सकता है आपका एग्ज़ाम चल रहा था अगर आप स्टूडेंट हो, या फिर बहुत सारा काम, बहुत सारा प्रेशर आपके ऊपर कोई डाल रहा था, बहुत सारे दायित्व आप लेकर घूम रहे थे, आप कुछ नहीं कर पा रहे थे, उस वजह से आपकी लाइफ को एंजॉय भी नहीं कर पा रहे थे। तो यस, वो सिचुएशन ख़त्म होती हुई दिख रही है अपकमिंग टाइम में, फ्री होते हुए दिख रहे हो, रिलैक्सिंग एक सिचुएशन क्रिएट होते हुए दिख रही है। आप कहीं पर घूमने भी जा सकते हो, वैकेशन दिख रहा है मुझे, एक अपकमिंग टाइम एक ट्रैवल भी दिख रहा है आपके लाइफ में। ओके, यहाँ पर है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, आपको जो चीज़ रिलीज़ करना चाहिए आपको लग रहा है वो चीज़ रिलीज़ करो। पहले आप सोचो कि क्या रिलीज़ करने से आप आगे बढ़ सकते हो, क्या चीज़ पीछे छोड़ना पड़ेगा आपको जिससे आपके लाइफ में पॉजिटिविटी ही पॉजिटिव होगा, आपको एक सुकून मिलेगा, शांति मिलेगा, एक पीसफुल माइंड क्रिएट होगा। आपको पहले इस चीज़ के ऊपर गौर करना है। तो आप यहाँ पर अपकमिंग टाइम में उस चीज़ को रिलीज़ करते हुए आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। एंड यहाँ पर बॉटम में देख में है कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। डेफिनेटली आपके अंदर कॉन्फिडेंस भर भर के आती हुई दिख रही है, जिस वजह से सक्सेस से आप एकदम से दूर नहीं हो। आपका एफर्ट का फल, आपका जो मेहनत का फल, वो आपको मिलकर रहेगा दिखाई दे रही है मुझे, सो नॉट टू वरी। तो ये सब चीज़ें आपको मिलेगा कब, देख लेते हैं टाइमिंग। ओके, सो यहाँ पर है एट ऑफ कप्स, फाइन, मुझे यहाँ पर दिख रहा है अपकमिंग एट डेज के अंदर आपको ये सब चीज़ें मिल सकता है, चांसेस बहुत कम है, बट एट दिन के बाद से चीज़ें स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं, ये चांस बहुत ज़्यादा है आपको। एट दिन तक मतलब कि एक हफ्ता आपको वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, एंड उसके बाद आपके लाइफ में एक पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग आती हुई दिख रही है, फूल खिलने वाले हैं। एंड यहाँ पर भी आप देख सकते हो मूव करने की एनर्जी है, चीज़ों से मूव कर रहे हो आप, नेगेटिव सिचुएशन से मूव कर रहे हो, जो चीज़ टेम्पररी है उस चीज़ से आप मूव कर रहे हो, जो आपको अच्छा नहीं लगता है उस चीज़ से आप मूव कर रहे हो। आप एक्चुअली खुद को वैल्यू करने वाले हो, खुद को सैटिस्फाइड करने वाले हो, सेल्फ लव के ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हो। हेल्थ में भी रिकवरी दिख रही है मुझे। ओके, एंड एट महीने के बाद एक बहुत बड़ा ट्रैवल की योग बन रहा है मुझे दिख रहा है, आप कहीं पर घूमने जाने वाले हो, विदेश यात्रा भी हो सकता है ये कुछ लोगों के लिए, या फिर आउट ऑफ स्टेट भी हो सकता है। सो थैंक यू पायल नंबर टू, थैंक्स फॉर वॉचिंग रीडिंग को एंड तक देखने के लिए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बाय।